खबर। मिर्जापुर से, जनपद मिर्जापुर में आज यानी 15 मार्च को उत्तर प्रदेश के स्वतंत्र विभाग जिला कारागार एवं होमगार्ड भर्ती मंत्री धर्मवीर प्रजापति के द्वारा जनपद के जिला कारागार पहुंचकर जिला जेल का निरीक्षण किया गया। तत्पश्चात जेल बंदियों से संवाद किया गया और आपको बता दें कि इस दौरान पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने बताया कि नवरात्र के कुछ दिन बाद प्रदेश के समस्त जिलों में होमगार्ड के जवान द्वारा जल व पर्यावरण बचाव का कार्यक्रम चलाया जाएगा। इस संवाद के दौरान राज्य मंत्री के द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा जेल कारागार मंत्री रहते हुए कुछ अनोखे कार्य भी किए गए जैसे उनकी पिछली सपा की सरकार में नहीं किए गए थे। उन्होंने बताया कि किस तरह कमजोर व गरीब परिवार की मदद करते हुए छोटी छोटी जमानत राशि जमा करते हुए कई बार गरीब परिवारों की मदद भी की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड्डू खाम। किया गया है, क्या पाया गया, किस तरीके से संवाद किया गया? में मैं जेलों के साथ संवाद कर रहा हूँ, निरंतर प्रयास हमारा चल रहा है और 40वीं जेल सम्मान के तौर पे हमारी रही है। हम हर जेल में कैदियों को उनके परिवार से कनेक्ट करके और उनको एहसास कराते हैं कि आपके जेल में आने के बाद परिवार आपका किस संकट से गुजरता है, किस प्रति से गुजरता है, एहसास कराते हैं कि बाहर अगर दोबारा न्यायपालिका के माध्यम से जाएँ तो दोबारा कोई गलती नहीं करें और जेल में ना आए। सर, जेल का निरीक्षण किया गया, क्या आपको मिला पाएंगे? मेरा मेरे विशेष मकसद हमारा जेल में बंदियों के साथ सुंदर संवाद और ये 40वीं जेल है। जेल प्रशासन के लोगों से भी कहते हैं पेशेवर अपराधी के लिए कोई झूठ नहीं, लेकिन अनायास घटित घटना में दूसरे भी हैं उनके साथ मानवीय दृष्टि से व्यवहार हो, ये भी हमारा काम है और नियम के अनुसार जो भी व्यवस्थाएँ जेल में हों वो रहें और मिले और कहीं कोई भी किसी भी तरह की कोई पेशेवर जहाँ का भी है उससे हमारे जो अनायास घटना में कहती है उनको उनका थोड़ा दूरी बना के रखते जाए, ये भी हमारा प्रयास है। थैंक यू।